जब किसी को फोड़ा फुंसी हो जाता है तो उस फोड़े फुंसी के अंदर बहुत सारा मवाद भर जाता है। मवाद मतलब पस, जिसमें डेड सेल्स और बैक्टीरिया का कलेक्शन होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फोड़ा फुंसी मूलतः बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से ही होता है। मेडिकल की भाषा में इसे एब्सेस कहते हैं। देखिए, जब यही फोड़ा फुंसी मतलब एब्सेस अगर एनस के आसपास के एरिया में हो जाए, बिल्कुल जहां पर हमारा मल द्वार होता है उसके आसपास कहीं पर, तो इसे एनल एब्सेस कहते हैं। आंतों की अगर कोई बीमारी होती है, जैसे क्रॉन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, या फिर अगर आप साफ सफाई से नहीं रखते हो अपने एनस को, एनल सेक्स करते हो या मल्टीपल लोगों के साथ सेक्स करते हो, सेफ सेक्स नहीं करते हो, तो इस केस में ये एब्सेस बन जाता है, क्योंकि ये सब चीजें इन्फेक्शंस को लीड करते हैं। देखिए, हमारे एनस में यहाँ होता है इंटरनल स्फिंक्टर, जो हमेशा प्रेशर के वक्त खुलता है, जब हम अपना मल त्याग करते हैं उस समय। उसके बाहर एक एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है जिसका कंट्रोल हम कर सकते हैं। ये हमारे लेविएटर एनाई मसल का भाग होता है। इसे हम जब चाहे कंट्रोल कर सकते हैं अपने मन से। इन दोनों लेयर्स के बीच में एनल ग्लैंड होते हैं जिससे म्यूकस निकलता है, एक चिपचिपा सा पदार्थ। इसका फंक्शन अभी तक तो पता नहीं लग पाया है, लेकिन अगर इसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो यहाँ पर लोगों को फोड़ा फुंसी बनता ही बनता है। अगर ये एब्सेस बहुत ज़्यादा पुराना हो जाए, इसको ट्रीट न किया जाए, तो ये हमारे एनल कैनाल के अंदर ही फटकर खुल जाता है और हमारे बटॉक्स के रीजन में बाहर की स्किन की तरफ भी फटकर खुल जाता है। मतलब ये एब्सेस हमारे एनल कैनाल से बटॉक्स के रीजन की तरफ, बाहर की स्किन की तरफ एक टनल बना लेता है, एक अलग सा रास्ता हमारे मल द्वार के अलावा, जिसमें मवाद और पस भरा रहता है और कभी कभी इसमें मल भी आ जाता है, मतलब फीकल मटेरियल भी आकर इसमें भर जाता है, यहाँ से लीक होने लगता है। इस कंडीशन को मेडिकल की भाषा में एनल फिस्टुला कहते हैं, या हिंदी में इसे हम भगंदर कहते हैं। ये भगंदर वजाइना में भी खुल सकता है औरतों के, या फिर आसपास के टिश्यू में भी खुल सकता है। शरीर के बाकी के हॉलो ऑर्गन में भी ये फिस्टुला हो सकता है। दर्द, जलन, बैठने में पीड़ा होना, डिफिकल्टी टू होल्डिंग पू, ये सब इसके सिम्टम्स हैं। और एंटी बैक्टीरियल दवाई देकर इसमें बैक्टीरिया के ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, और इसमें सर्जरी बहुत ज़रूरी होता है।